नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लौंग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लॉन्ग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लॉन्ग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ़ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुँह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूर जाने के नाम से ही काप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जियेंगे जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शब्द है अगर इस शब्द को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शब्द ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लौंग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लॉन्ग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण सार्थक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दर्शकों वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पर कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फ़ोन पर किया जाएगा फ़ोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी जी हाँ तो फ़िलहाल दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों